हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज फिर से हम आपके लेके आए हैं 100+ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर से। तो ये मोस्टली हमने कवर किए हैं स्टेट लेवल के एग्जाम्स, जहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें स्टैटिक जीके है, इसमें इकोनॉमिक्स भी इंक्लूड होगी, ज्योग्राफी भी इंक्लूड होगी, हिस्ट्री भी इंक्लूड हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द इंडियन बिस्मार्क। इंडियन बिस्मार्क के नाम से कौन जाना जाता है? तो सिंपल सा आंसर इसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो इंडियन बिस्मार्क के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके बारे में मैं कुछ मेन चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। तो इनको सबसे पहली बात है, इनको इंडियन बिस्मार्क क्यों बोला जाता है? इनको इंडियन बिस्मार्क इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने क्या किया था, 71 से ज़्यादा रियासतों को इकट्ठा किया था। ठीक है, जब देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो क्या हुआ कि अब इंडिया को एक यूनियन तो बनाना था, स्टेट्स को सबको इकट्ठा करना था, लेकिन बहुत सारी रियासतें ऐसी थी जहाँ पे राजा राज करते थे। तो उन राजाओं को मनाने का काम किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इसलिए इनको इंडियन बिस्मार्क बोला जाता है, या फिर आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, लोह पुरुष भी बोला जाता है। सेकेंड चीज़ याद रखनी है आपको, 182 मीटर सबसे लंबा स्टैचू इनका बनाए, 182 मीटर का। कहाँ बना हुआ है? गुजरात में बना हुआ है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। मैं याद देता हूँ, स्टैचू ऑफ यूनिटी। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड स्टैचू है आपका, क्या बोलते हैं, जो आपका स्टैचू ऑफ इक्वलिटी था रामानुजन का, ठीक है, और रामानुजा का, अब क्या है, सरदार पटेल जी का है स्टैचू ऑफ यूनिटी। 182 मीटर सबसे बड़ा स्टैचू है ये, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अच्छा, इस सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? फर्स्ट होम मिनिस्टर भी थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे इंडिया के। तो याद रखना है, भारत रत्न इनको प्राप्त हो चुका है और इनका जन्म जो था वो इलाहाबाद में हुआ था। तो आपको कुछ मेन चीज़ें याद रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ आपको और इन्फॉर्मेशन भी दी थी। पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता था और बिस्मार्क भी बोला जाता था। देन 182 मीटर लंबा एक स्टैचू है जिसको बोलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, वो कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। तो और दूसरी बात आपने देखी है, ये पहले होम मिनिस्टर भी थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे इंडिया के। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम, द टाइटल ऑफ स्पैरो। तो टाइटल है स्पैरो का, वो किसको दिया गया था? मेजर जनरल राजेंद्र सिंह, ठीक है। तो इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपको बताऊँ कि पेपर में बार बार रिपीट होगा, तो इसलिए आपको बस ये याद है। देन लोकल नेम ऑफ मोहन जोदारो, मोहन जोदारो का लोकल नेम क्या है? माउंट ऑफ डेड, मतलब मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, मृतकों का टीला, ठीक है। तो ये किसको बोला जाता है आपके पास? मोहन जोदारो। देन व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मगध? मगध की कैपिटल क्या थी? राजगृह। राजगृह कहाँ है? बिहार में है। उसके बाद मगध की कैपिटल पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी गई थी। आजकल बिहार की कैपिटल क्या है आपके पास? आजकल है पटना, ठीक है। तो मगध के टाइम पे क्या कैपिटल थी? राजगृह, ठीक है। उसके बाद उसको शिफ्ट कर दिया गया था पाटलिपुत्र में। देन नेक्स्ट, इन विच स्टेट वाज नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन इंडिया? नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ लोकेट हुई थी? बिहार। कहाँ पर थी? बिहार में, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ह्यून त्सांग। इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, एक चाइनीज ट्रैवलर थे, ठीक है। उन्होंने 7वीं सेंचुरी में नालंदा यूनिवर्सिटी को क्या किया था? विजिट किया था, तो ह्यून त्सांग, ठीक है जी। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं फटाफट से, बिस्मार्क को बोला जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, देन स्पैरो। हाँ, एक चीज़ और आपके पास मैं बताता हूँ, इनको सरदार की उपाधि कहाँ से मिली थी? बरदोली सत्याग्रह से 1928 में इनको सरदार की उपाधि मिली थी, ठीक है जी। देन स्पैरो, स्पैरो किसको बोला जाता है? मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को। देन मोहन जोदारो का लोकल नेम क्या था? मृतकों का टीला। मगध की कैपिटल क्या थी? राजगृह, बिहार में है। एंड नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? वो भी बिहार में ही है। और ह्यून त्सांग 7वीं सेंचुरी में एक चाइनीज ट्रैवल क्या था, विजिट किया था उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी। बढ़ते हैं अगले 6th क्वेश्चन पे अपने, कौटिल्य। कौटिल्य सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ किनको बोला जाता है? चाणक्य, ठीक है। और चाणक्य का एक और नाम क्या था? विष्णुगुप्त जी का। कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखी है, देखो पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि अर्थशास्त्र किसने लिखी है, तो कौटिल्य ने या भी चाणक्य, एक ही नाम है, या विष्णु, ठीक है, उनको अलग अलग नाम से बोला जाता था। और साथ में एक बात और याद रखनी है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे, ठीक है।
अर्थशास्त्र किससे डील करता है, किस चीज में डील करता है, पॉलिटिकल पॉलिसी से, ठीक है, किससे डील करता है, पॉलिटिकल पॉलिसी से, या फिर मैं बोल सकता हूँ इकोनॉमिक पॉलिसी से भी डील करते थे, तो ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट, बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रीन ऑफ कनिष्क, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संस्कृति का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था कश्मीर में। वैसे तो ऑप्शन में जो आपके पेपर में आया था वो कश्मीर ही था खाली, तो मैंने इसे कश्मीर लगाया। हालांकि इनकी जो तीन हुई थी, जो चार जगह पे हुई थी, पहली हुई थी राजगृह में, देन वैशाली में, राजगृह वैशाली, देन आपके पास हुई पाटलिपुत्र एंड देन कश्मीर, ठीक है। तो कनिष्क के टाइम पे हुई थी आपके पास, कहाँ पे हुई थी, कश्मीर में, ठीक है। पाटलिपुत्र हुई थी अशोक के समय पे, वैशाली जो हुई थी वो थी काल अशोक के समय पे, और राजगृह में हुए थे अजातशत्रु से, तो ये आपको याद रखना, ठीक है। हाँ, और कश्मीर में जो याद रखना है अपने, कश्मीर है जो वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कश्मीर साहब कनिष्क से याद रखोगे, और यहाँ की थी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हुई थी, ठीक है जी। मिर्चा कटिका किसके द्वारा लिखी गई है, शूद्रका के द्वारा, ठीक है, शूद्रका के द्वारा मिर्चा कटिका लिखी गई है। देन राष्ट्रकूता एम्पायर किसके द्वारा स्थापना की गई थी, राष्ट्रकूता एम्पायर की, तो दांती दुर्ग के द्वारा, या दंती दुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूता एम्पायर की स्थापना की गई थी। देन कौन सा दिल्ली का सुल्तान ऐसा है जिसने मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म, ठीक है, बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जाना जाता है, वो अलाउद्दीन खिलजी। और आपको पता है इनको क्या बोला जाता है, ठीक है, सिकंदर ए सानी भी बोला जाता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, या हजार ए दिनारी ये भी बोला जाता है। अब आपको याद रखना है दो चीज़ें, मैं और ऐड ऑन कर देता हूँ, घोड़ा दागने की प्रथा इन्होंने लागू की थी, ठीक है, और दीवाने रियासत लागू किया था, चलाया था दीवाने रियासत, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन हमने किए, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है, कौटिल्य के द्वारा, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, कश्मीर में, और कौन थे उसमें राजा था, उसमें कनिष्क। मिर्चा कटिका किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये शूद्रका के द्वारा। राष्ट्रकूटा अंपायर किसने फाउंड किया था, तो दांती दुर्ग ने। और दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने की प्रथा चलाई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी, जिनको हम सिकंदर ए सानी के नाम से भी जानते हैं, और और हजारे दिनारी के नाम से भी जानते हैं। फिर बात करते हैं अपने 11th क्वेश्चन की, बीजापुर, ठीक है, जो बीजापुर है वो किसके लिए जाना जाता था, गोल गुंबज के लिए। तो ये कहाँ पर है आपको याद रखना है, जो बीजापुर है वो कर्नाटक में है, तो ये किसके लिए जाना जाता था, गोल गुंबज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, आईने अकबरी किसने लिखी है, अबुल फजल ने। तो आईने अकबरी किसने लिखी है, अबुल फजल ने। तो एक और चीज़ मैं लिखाता हूँ, हुमायूं नामा लिखी है गुलबदन बेगम, हुमायूं की बहन थी ये, ठीक है, तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी, ठीक है। तो याद रखनी है एक किताब मैंने आपको और बता दी, एक आईने अकबरी किसने लिखी है, अबुल फजल ने, और हुमायूं नामा किसने लिखी है, गुलबदन बेगम ने। देन भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था, तो याद रखना फोर्ट सेंट जॉर्ज का जो पहला किला था, जो किसके द्वारा निर्मित था, भारत अंग्रेजों के द्वारा, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, जो ये आपका है वो 1639 में फाउंड हुआ था, और बनके कब पूरा कब हुआ था, 1644 में बनके तैयार हुआ। तो 39 में क्या हुआ था, इसको आपके पास फाउंडेड हुआ था, और कंस्ट्रक्शन कब हुई, 1644 में, ठीक है। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन की बात की गई है, तो याद रखना 1644। देन राजा रंजीत सिंह, बहुत जगह नाम सुनते हैं हिमाचल में, बहुत जगह नाम सुनते हैं इनका, ठीक है। तो जो इनकी कैपिटल थी पंजाब की, वो कहाँ लोकेटेड थी, लाहौर, ठीक है, लाहौर। देन पहला गवर्नर जनरल भारत का वो कौन था, विलियम बेंटिक का नाम बहुत फेमस है, क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या की थी, सती प्रथा एक्ट लेके आए थे, अबोल्यूशन ऑफ सती प्रथा एक्ट, सती प्रथा को रोकने के लिए एक्ट लेके आए थे, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इनका सहयोग किसने दिया था, राजा राम मोहन राय ने, कब लेके आए थे, 1829 एक्ट, तो अबोल्यूशन ऑफ सती, ठीक है, एक्ट, तो ये लेके आए थे विलियम बेंटिक, लेके आए थे 1829 में, विद दी हेल्प ऑफ राजा राम मोहन राय। देन बिरसा मुंडा,
बिरसा मुंडा वाज इन द फेवर ऑफ झारखंड। एक्चुअली बिरसा मुंडा जो है ना, वो एक उन्होंने एक रेवोल्यूशन चलाया था, कम्युनिटीज़ के लिए रेवोल्यूशन चलाया था, अपने अपनी जो उनकी जाति थी उसके लिए उन्होंने चलाया था। तो बिरसा मुंडा बहुत फेमस है, तो कहाँ के हैं? झारखंड के। देन लखनऊ पैक्ट, पहले सबसे पहला क्वेश्चन आता है लखनऊ पैक्ट कब स्टार्ट हुआ था, कब कब हुआ था, समझौता कब हुआ था? 1916 में। और कौन लीडर थे इसमें? तो लखनऊ पैक्ट एक्चुअली ये हुआ था मुस्लिम और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था लखनऊ पैक्ट। तो INC की तरफ से थे बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और मुस्लिम की तरफ से कौन थे आपके पास? अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो लखनऊ पैक्ट साइट हुआ था माइनॉरिटीज को लेके 1916 में। देन गांधी जी को अर्ध नंगा किसने कहा था? ठीक है, तो ये भिखारी किसने कहा था ये उनको? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। देन प्रथम मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई थी? फर्स्ट मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन टेक प्लेस इन रशिया। रशियन रेवोल्यूशन की बात मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, अमेरिकन रेवोल्यूशन की बता चुका हूँ, ऑस्ट्रेलियन रेवोल्यूशन की बता चुका हूँ। तो आपको उसे याद रखना है कि मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन पहला कहाँ पे हुआ था? रशिया में। देन गीत गोविंद है वो किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में। और किसके द्वारा लिखी गई थी? जयदेव के द्वारा। ये भी बहुत बार पूछा जाता है इसलिए याद रखना, जयदेव के द्वारा लिखी गई थी। देन एट विच प्लेस द फेमस एनगैंटी त्रिमूर्ति सदाशिव लोकेटेड? ठीक है, तो ये एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र, याद रखना है एलिफेंटा केव्स। ठीक है, वहां पर क्या है प्रसिद्ध गुट त्रिमूर्ति सदाशिव किस स्थान पर है? एलिफेंटा। नेक्स्ट अमंग एस्टेरॉइड्स नेबुले, ठीक है, कमेट्स, प्लैनेट्स विच डू नॉट बिलोंग टू सोलर सिस्टम, तो आएगा नेबुले। क्यों मैं बता देता हूँ? क्योंकि ये क्या होता है, ये एक क्लस्टर होता है गैसेस का जो आउटर स्पेस में होता है, इसलिए इनमें से सिर्फ एक यही ऐसा है जो हमारे सौर प्रणाली में नहीं होता। ठीक है, तो आपके पास ग्रह भी होते हैं, धूमकेतु भी होते हैं और क्षुद्र ग्रह भी। ठीक है जी, नेक्स्ट कौन सी गैस ऐसी है जो एक्सोस्फेयर में सबसे अधिक पाई जाती है? एक्सोस मतलब बाहरी परत में पाई जाती है, तो हाइड्रोजन। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया था आपके पास, हमारे पास गैस होते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजो, ठीक है, देन आपके पास थर्मो, देन एक्सो। थर्मो को आइनो भी बोलते हैं, तो आयन मंडल को टेंशन नहीं लेना कि थर्मोस्फेयर क्यों लिख दिया है। ठीक है, तो ये वाली स्फीयर होती है। तो एक्सोस्फेयर में कौन सी गैस अधिक पाई जाती है? हाइड्रोजन। ग्रेट बैरियर रीफ किस कंट्री में लोकेटेड है? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश भी बोला जाता है इसको, और इसकी कैपिटल क्या है? कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है आपके पास? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, विच रिवर इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड? कौन सी रिवर ऐसी है जो सबसे लंबी है संसार में? वो कौन सी है? अमेजोन। ठीक है, अमेजोन नदी है जो सबसे लंबी नदी है। देन जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ पे होती है? ठीक है, तो याद रखना टॉरिड जोन। अब आप समझ रहे होंगे टॉरिड जोन होता क्या है, थोड़ा सा आसान कर लेता हूँ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि हाँ कुछ सुना सुना सा लग रहा है, थोड़ा और आसान कर देता हूँ, तो उष्ण कटिबंधीय वन। अब ये आसान लग रहा है, उष्ण कटिबंधीय वन ये होते क्या है? ठीक है, इसको मैं आपको बताता हूँ, ये एक्चुअली होते हैं जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो पृथ्वी का क्षेत्र होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन बोलते हैं, टॉरिड जोन बोलते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? उष्ण कटिबंधीय जगह पे होती है। ठीक है जी, देन साल्ट्रीज सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? साउथ ईस्ट एशिया में होते हैं। ठीक है, और ये किसके स्पीसीज होते हैं? एस रोबस्टा, इसको होते हैं एस रोबस्टा। देन सुनामी आपको याद होगा, भारत में जब सुनामी आई थी 2005 में, बहुत खतरनाक सुनामी आई थी। सुनामी के अंदर क्या होता है? अर्थक्वेक भी आता है, ठीक है, पानी के थ्रू भी लहरें आती हैं, मतलब बहुत बुरा हाल होता है, डिजास्टर जिसे बोलते हैं बहुत ज़्यादा होता है। सुनामी इसके द्वारा नहीं होते, साइक्लोन्स कहते हैं हवा। ठीक है, हवा के चक्री बनना, तो उसके द्वारा नहीं होता, या हरिकेन्स के द्वारा नहीं होता। देन बिली ये भी बहुत फेमस है, ये साइक्लोन है, साइक्लोन का नाम है, और कहाँ चलता है? ऑस्ट्रेलिया में, बिली। ठीक है जी, देन टबैको का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? चाइना। कौन है जी? चाइना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में से
कौन सी स्टेट है सबसे स्मॉलेस्ट एरिया में इन स्टेट में से, कौन सी, तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है सबसे छोटी है इन स्टेट में से, और वैसे अगर सेंसिस के अकॉर्डिंग देखी जाए तो गोवा सबसे छोटी स्टेट है, ठीक है जी। देन गल्फ ऑफ मन्नर कहाँ पर है, तो ये बहुत बार हम पढ़ भी चुके हैं, अपने क्लास में करा भी चुका हूँ, तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नर। देन दुर्गापुर, दुर्गा माता का तो आपने सुना ही है ना, दुर्गा कितनी फेमस है, कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में बहुत फेमस है। तो कौन सी नदी के किनारे है, दामोदर, बंगाल का स्रोत में बोला जाता है दामोदर नदी को, तो आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी होगी। कंट्री डेट शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया, तो ये आपको अगर आप मेरे करंट अफेयर्स देखे होंगे पिछले दिन के, तो आपको समझ आ गया होगा कि इसके बारे में मैंने बता रखा है, 4096 किलोमीटर तो इसे लंबा शेयर बॉर्डर शेयर करता है कौन, बांग्लादेश। देन नेक्स्ट, पीर पंजाल रेंज हिमालय की किस पार्ट की है, लेसर हिमालय की, तो नीचे वाले हिमालय की, लेसर हिमालय की है पीर पंजाल रेंज। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं, नंदा देवी पीक बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ, ये कहाँ पर है, उत्तराखंड, उत्तराखंड में कौन कौन से पार्क हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स, चमोली नेशनल पार्क, ठीक है। देन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है जी। देन गांधी सागर रिजर्वियर किस नदी पे बना हुआ है, चंबल नदी पे बना हुआ है, ठीक है। और मोस्टली ये यहाँ पे कहाँ पर है, शेयर करते हैं ये मध्य प्रदेश और राजस्थान शेयर करते हैं, तो याद रखना है, ठीक है, गांधी सागर रिजर्वियर चंबल नदी। दिल्ली को मुंबई से कौन सा हाईवे कनेक्ट करता है, नेशनल हाईवे 8। देन जावर के खाने, ठीक है, जवार के खाने हैं वो कहाँ पे फेमस, किस चीज़ के लिए फेमस है, जिंक, इसके लिए फेमस है, जिंक के लिए फेमस है। देन सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कहाँ पर है, बुलर लेक है जम्मू कश्मीर, कौन सी है, बुलर लेक जम्मू कश्मीर में, ठीक है जी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपने याद रखना चिल्का लेक, चिल्का लेक, ये याद रखना J&K में है और ये याद रखना ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, ऑफ इंडिया वाज एनविसेज्ड, ठीक है, भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना की परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। ये कब आया था भारत में, 1946 में आया था, ठीक है, प्रपोजल रखा गया था 1942 में और इंडिया में लागू किया गया था 1946 में। देन धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 42वें संशोधन द्वारा 1976 में, ठीक है जी। देन भारतीय नागरिकता किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है, तो हम बहुत तरीकों से कर सकते हैं, मतलब 5 तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन आपकी ऑप्शन सी, बाय डिसेंडेंट, बाय नेचुरलाइजेशन या बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो या तो अपने जो पूर्वजों के द्वारा, या आप यहीं के यहीं पे रहते हो तो इसलिए नेचुरलाइजेशन, या फिर रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप इसको प्राप्त करते हैं। देन PIL, जो PIL है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, USA से, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं याद रखनी है, USA से ओरिजिनेट हुआ है। देन ये पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, अब फिर से दोबारा क्वेश्चन आ गया है, 1975 में जब एमरजेंसी लगी थी उस समय प्रेसिडेंट कौन था भारत का, फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है जी। देन नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है, ठीक है, तो याद रखना है राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा के द्वारा, ठीक है, तो राज्यसभा के द्वारा क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट को, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट कहता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, इसलिए। लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है इंडिया की, लद्दाख। देन फर्स्ट लोक अदालत, ठीक है जी, फर्स्ट लोक अदालत वाज हेल्ड इन विच ईयर, ठीक है जी, ठीक है, फर्स्ट लोक अदालत इस ईयर में हेल्ड की गई थी, 1986 में, ठीक है, 1986 में। देन अब मिनिस्टर इन अ स्टेट इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द, ठीक है, अगर कोई मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, वैसे इसका आंसर आना चाहिए सीएम के लिए होता है, और सीएम किसके लिए होता है, गवर्नर के लिए होता है, ठीक है। देन यूनियन लिस्ट कंटेन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स, यूनियन लिस्ट कितने विषय कंटेन करती है, 97, और स्टेट लिस्ट कितने कंटेन करती है, 66।
इनमें से ग्राम पंचायत का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तो ये है आपके पास लेवी ड्यूटी, मतलब जब आप क्या लगते हो शुल्क टैक्सेस लेते हो, टैक्सेस वगैरह लेते हो, तो वो इस ग्राम पंचायत की सोर्स ऑफ इनकम। देन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कब सेटअप हुआ था? 1992 में, इंपॉर्टेंट है याद रखोगे। देन 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम कब पहली बार अनाउंस हुआ था? 1975 में, जब एमरजेंसी डिक्लेयर हुई, उससे पहले में। ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन किस सिटी में इनिशिएट हुआ गया था? बांसवाड़ा राजस्थान में। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कहाँ स्टार्ट हुआ था? बांसवाड़ा में, राजस्थान में। इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद, ठीक है, आर्थिक विकास आमतौर पर किससे जुड़ा हुआ है? इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन में होता है जब आपकी कोई चीज की दर बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, ठीक है, तो उससे जुड़ा हुआ है। देन इनमें से कौन सा दर ऐसा है जो आरबीआई के द्वारा डिटरमाइन नहीं होता? तो PLR, ठीक है जी, PLR है, ठीक है, प्राइम लैंडिंग रेट है, जो आरबीआई के द्वारा नहीं लगाया जाता। मतलब रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, CRR हो गया, तो ये किसके किसके द्वारा लगाया जाता है? आरबीआई के द्वारा लगाया जाता है। देन IRDA, हाँ एक चीज और रह गई, आरबीआई एक्ट कब बना था? कब आया था? 1 अप्रैल 1935 में। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। ठीक है, नेशनलाइजेशन हुई थी इसकी 1949 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई, बहुत बार बता चुका हूँ, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। शक्ति कांता दास इसके आजकल क्या है? हमारे गवर्नर है। ठीक है जी। देन IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या एक तरफ से इंश्योरेंस सेक्टर है। ठीक है, प्रत्यक्ष करों का न्यूनतम प्रभाव इसके लिए होता है, कैपिटल गुड्स के लिए होता है, तो आपने याद रखना है। देन व्यापार, परिवहन, व्यापार सेवा, बिजली में से कौन सा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? ठीक है जी, तो आपको याद रखना है कौन सा नहीं आता है जी, इनमें से कौन कौन है हमारे पास? ट्रेड, देन ट्रांसपोर्ट, ठीक है जी, और देन आपके पास आ गया बिजनेस सर्विसेज, और देन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, ये किसके अंदर नहीं आता? तो इनमें से कौन सा नहीं आता? इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता है। ठीक है, तो जो ये आपके पास तृतीय क्षेत्र होता है ना, ये किसके अंदर आता है? जैसे कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन होगी, हेल्थ केयर होगी, रियल एस्टेट होगी, उसके लिए होता है ये। ठीक है, जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो और आपका काम क्या है कि आप गुड्स प्रोवाइड नहीं करोगे कंज्यूमर को, ठीक है, आप सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करो। देन ड्यूरिंग विच प्लान वॉज ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, तो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ, एम एस स्वामीनाथन थे फादर इसके। ठीक है, इंडिया में, ठीक है, नॉर्मल बर्ड लोग हैं जो वर्ल्ड के हैं। ठीक है, तो ये कौन से 5 ईयर प्लान में आता? 3rd 5 ईयर प्लान में इसको लिया गया। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, विच इज द बेस्ट मेजर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP होता है, जो आपको बेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ बताता है कंट्री के बारे। देन जो इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, स्पेशल मेंबर्स को याद रखना, तो 12। ठीक है, विच पर्सनैलिटी हैड नेवर सर्व एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये ऑप्शन से उठाया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में? तो ही इज अ फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होता है? प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है किसी भी हाउस के द्वारा, आइदर ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है जी, तो आपको याद रखना है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री के लिए किसके लिए बेस्ट मेजर हम कर सकते हैं? GNP। ठीक है, तो आपने याद रखना है GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, आपने याद रखना है, या फिर कहीं बार ना इसको GNP को ग्रॉस नेशनल इनकम भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब उसमें टेंशन मत लेना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते तो क्या डेफिनेशन आ गई, ग्रॉस नेशनल इनकम भी बोलते हैं। ठीक है जी, देन आप क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितने अपॉइंट कर सकते हैं मेंबर्स को? राज्यसभा में 12 मेंबर्स को। ठीक है, और मैं 63-64 को भी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑप्शन से उठाए गए हैं आंसर्स इसके। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीचमेंट में होता है महाभियोग, किस हाउस में इनिशिएट किया जाता है? किसी भी हाउस में हो सकता है, पार्लियामेंट या तो राज्यसभा चाहे लोकसभा, और उनको 14 दिन का पहला प्रायर नोटिस दिया जाएगा। Then, which does not find the mention in the preamble to the Constitution of India? ठीक है, तो जो हमारे जो preamble है, प्रस्तावना है, उसमें क्या चीज़ mention नहीं है? भी ऑप्शन से उठाया गया है, शहीदों के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 370 हट चुका है और 35 ए भी हट चुका है, तो किससे डील करता था? स्पेशल स्टेटस ऑफ JNK। ठीक है, कौन सा संविधान द्वारा नए राज्य बनाने का अधिकार देता है? पार्लियामेंट।
क्योंकि पार्लियामेंट के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, कोई बिल पास कर सकते हैं अगर हमें कोई एक नई स्टेट बनानी है। ठीक है जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हम याद रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है आपके पास, वो कैसे रिमूव हो सकते हैं? ठीक है, तो वो अपने कैसे रिमूव हो सकते हैं? बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा हो सकते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, जब दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस के द्वारा कोई रेजोल्यूशन पास होगा, जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट के जजिस के द्वारा, तो तब वो प्रेसिडेंट क्या कर देगा, उनको हटा सकता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है, ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर आफ्टर एवरी टू इयर्स राज्यसभा के कितने जो मेंबर्स सदस्य हैं हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं? 1/3। ठीक है, 1/3 बाद रिटायर होते हैं, और इनका टेन्योर कितना रहता है? 6 साल का रहता है, और परमानेंट बॉडी होती है, इसको आप रिमूव नहीं कर सकते। देन राज्यसभा कैन हैव मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ, कितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है? 250 की स्ट्रेंथ हो सकती है राज्यसभा में मैक्सिमम। ठीक है, श्री सुभाष चंद्र बोस इज एसोसिएटेड विद, ठीक है, जिस सुभाष चंद्र बोस है वो किससे एसोसिएटेड है? फॉरवर्ड ब्लॉक से एसोसिएटेड है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने बहुत बार सुना है, और इस चीज पे एक वेब सीरीज भी आ चुकी है। ठीक है, देन चुनाव याचिका पर निर्णय लेने की शक्ति किसकी होती है? हाई कोर्ट। ठीक है जी, लास्ट मंथ ऑफ INC कैलेंडर इज, इंडियन नेशनल कैलेंडर इज फागुन, फागुन का महीना। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम कौन इलेक्ट करते हैं? इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। वार्षिक का बता देता हूँ, सुभाष चंद्र बोस किससे एसोसिएटेड है? फॉरवर्ड ब्लॉक से। ठीक है, पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पिटीशन, ठीक है, चुनाव याचिका पर निर्णय लेने की शक्ति निहित किसपे होती है? हाई कोर्ट पे। ठीक है, और इंडियन नेशनल कैलेंडर में लास्ट मंथ कौन सा होता है? फागुन का। वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया का है वो कौन इलेक्ट करता है? कोई भी पार्लियामेंट। ठीक है, इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। देन फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम मिस वर्ल्ड, कौन है? रीता फेरा। रीता फेरा है जो क्या बनी थी? पहली मिस वर्ल्ड बनी थी रीता फेरा। देन लेडी विद द लैंप किसको बोला जाता है? सरोजिनी नायडू को। द्रोणाचार्य अवार्ड हम किसके देते हैं? कोचिस के लिए। अर्जुन अवार्ड स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है। फर्स्ट एशियन गेम्स कब हुए थे? कहाँ पे हुए थे? सॉरी, दिल्ली में हुए थे, याद रखना है। कहाँ हुए थे? दिल्ली में हुए थे फर्स्ट एशियन गेम्स। ओलंपिक गेम्स 2016 के कहाँ हुए थे? ब्राज़ील में। ठीक है, अब देखो हम कई बार सोचते हैं कि यार ये क्वेश्चन अब तो हमें आएगा नहीं क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं भी कभी भी आ सकते हैं, तो आपको याद रखने हैं। ठीक है जी, जो अभी 2023 में होंगे वो कहाँ होंगे? बर्लिन में, ये भी मैंने बता दिया आपको, बर्लिन में होंगे। पंकज अडवाणी किससे संबंधित हैं? वो बिलियर्ड्स, ठीक है, स्नूकर से, बिलियर्ड्स से संबंधित हैं। पहला पर्सन जिनको भारत रत्न मिला था 1954 में, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को, और भारत रत्न की शुरुआत में 1954 में हुई थी। ठीक है, भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, ठीक है, 1954 में शुरुआत हुई थी। देन द ड्रामेटिक डिकेड द इंदिरा, ठीक है, ये बुक किसने लिखी है? प्रणब मुखर्जी ने लिखी थी। ठीक है, द ड्रामेटिक डिकेड द इंदिरा। देन अगर आपको टेबल को तोड़ना है तो आप शॉर्टकट की क्या लगाओगे? आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर, इन सबको इकट्ठे जब आप लगाओगे तो आपके टेबल क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। देन एक निबल किसके इक्विवेलेंट होता है? 4 बिट्स का। ठीक है, 4 बिट्स का। नाथुला पास कहाँ पर है? सिक्किम में है नाथुला पास। देन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को, सॉरी ऊपर नीचे हो गया, 5 जून को मैं ऐसे कर देता हूँ, 5 जून को मनाया जाता है। और कौन सा लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का? जुपिटर। ठीक है जी, ये ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा ध्यान रख लेना। देन नेक्स्ट, मानसरोवर जो लेक है वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी, इंडस। देन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितना है? 10 ईयर में कितना है? 17.9% बढ़ रहा है। जनगण मनगण कब अडॉप्ट किया गया था? 24 जनवरी 1950। राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट, अभी मैं पीछे बता चुका हूँ आपको। देन
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब लॉन्च हुई थी? 2007 में। BSNL ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड कब बना था? 2000 में बना था। पोलियो किसके द्वारा कॉज किया जाता है? वायरस के द्वारा, ठीक है जी। बढ़ते अपने लास्ट 5 क्वेश्चंस। गंगटोक की कैपिटल क्या है? सिक्किम। सही, गंगटोक किसकी कैपिटल है? सिक्किम की। सोमनाथ टेम्पल कहाँ पर है आपके पास? शिव जी का टेम्पल है गुजरात में। पैरट ऑफ इंडिया, भारत का तोता किसको बोला जाता है? अमीर खुसरो। नवरत्न में आता है इनका नाम। फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म किसको बोला जाता है? जिसको जो वेस्टर्न एजुकेशन को भी लेके आए थे, राजा राम मोहन राय। देन गो बैक टू वेदास, इस स्लोगन किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो हम आपके लिए 100 क्वेश्चन का एक पैक लेके आए हैं, होप सो आपको ये पसंद आया होगा। और ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन हैं जो पेपर में आपके आ रहे हैं। आपने अभी तक दो एग्जाम्स को जो हमने अभी 100 क्वेश्चन डाले हैं, आपने कुछ चीज़ नोटिस किया होगा, जो एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू है एग्जाम डालने का वो किस तरीके का है। वो एक ही जगह से वो दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन उठा रहा है। अगर उसने बिहार से क्वेश्चन उठाए तो दो तीन क्वेश्चन वहाँ से उठाए। अगर उसने कोई वाइस प्रेसिडेंट का क्वेश्चन उठाया है तो उसी से रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन और उठाए, ठीक है। तो वही वो पैटर्न हमेशा फॉलो कर रहा है और उसी पैटर्न को हम आपको और एक्सप्लोर करेंगे और चीज़ें बताएंगे। बस आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज फिर से हम आपके लेके आए हैं 100+ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर। तो ये मोस्टली हमने कवर किए हैं स्टेट लेवल के एग्जाम्स जहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें स्टेटिक जीके है, इसमें इकोनॉमिक्स भी इंक्लूड होगी, ज्योग्राफी भी इंक्लूड होगी, हिस्ट्री भी इंक्लूड हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द इंडियन बिस्मार्क? इंडियन बिस्मार्क के नाम से कौन जाना जाता है? तो सिंपल सा आंसर इसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो इंडियन बिस्मार्क के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके बारे में मैं कुछ मेन चीज़ें बता देता हूँ क्योंकि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। तो इनको सबसे पहली बात है, इनको इंडियन बिस्मार्क क्यों बोला जाता है? इनको इंडियन बिस्मार्क इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने क्या किया था, 71 से ज़्यादा रियासतों को इकट्ठा किया था। ठीक है, जब देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो क्या हुआ कि अब इंडिया को एक यूनियन तो बनाना था, स्टेट्स को सबको इकट्ठा करना था, लेकिन बहुत सारी रियासतें ऐसी थी जहाँ पे राजा राज करते थे। तो उन राजाओं को मनाने का काम किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इसलिए इनको इंडियन बिस्मार्क बोला जाता है या फिर आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है, लोह पुरुष भी बोला जाता है। सेकेंड चीज़ याद रखनी है आपको, 182 मीटर सबसे लंबा स्टैचू इनका बना है, 182 मीटर का। कहाँ बना हुआ है? गुजरात में बना हुआ है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। मैं यहाँ देता हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड स्टैचू है आपका, क्या बोलते हैं, जो आपका स्टैचू ऑफ इक्वलिटी था रामानुजन का, ठीक है, और रामानुजा का, अब क्या है, सरदार पटेल जी का है स्टैचू ऑफ यूनिटी। 182 मीटर सबसे बड़ा स्टैचू है ये, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अच्छा, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? फर्स्ट होम मिनिस्टर भी थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया के। तो याद रखना है, भारत रत्न इनको प्राप्त हो चुका है और इनका जन्म जो था वो इलाहाबाद में हुआ था। तो आपको कुछ मेन चीज़ें याद रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ आपको और इन्फॉर्मेशन भी दी थी। पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता था और बिस्मार्क भी बोला जाता था। देन 182 मीटर लंबा एक स्टैचू है जिसको बोलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, वो कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। तो और दूसरी बात आपने देखनी है, ये पहले होम मिनिस्टर भी थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे इंडिया के। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम, द टाइटल ऑफ स्पैरो। तो टाइटल है स्पैरो का, वो किसको दिया गया था? मेजर जनरल राजेंद्र सिंह, ठीक है। तो इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपको बताऊं कि पेपर में बार बार रिपीट होगा, तो इसलिए आपको बस ये याद रखना है। देन लोकल नेम ऑफ मोहन जोदारो, मोहन जोदारो का लोकल नेम क्या है? माउंट ऑफ डेड, मतलब मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, ये आपको याद रखना है, ठीक है, मृतकों का टीला, ठीक है। तो ये किसको बोला जाता है आपके पास? मोहन जोदारो। देन व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मगध? मगध की कैपिटल क्या थी? राजगृह। राजगृह कहाँ है? बिहार में है। उसके बाद मगध की कैपिटल पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी गई थी। आजकल बिहार की कैपिटल क्या है आपके पास? आजकल है पटना, ठीक है। तो मगध के टाइम पे क्या कैपिटल थी? राजगृह, ठीक है। उसके बाद उसको शिफ्ट कर दिया गया था पाटलिपुत्र में। देन नेक्स्ट, इन विच स्टेट वाज नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन इंडिया?
नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ लोकेट हुई थी? बिहार। कहाँ पर थी? बिहार में, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ह्यून त्सांग, इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, चाइनीज ट्रैवलर थे, ठीक है। उन्होंने 7वीं सेंचुरी में नालंदा यूनिवर्सिटी को क्या किया था? विजिट किया था, तो ह्यून त्सांग, ठीक है जी। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं फटाफट से, बिस्मार्क को बोला जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, देन स्पैरो। हाँ, एक चीज़ और आपके पास मैं बताता हूँ, इनको सरदार की उपाधि कहाँ से मिली थी? बरदोली सत्याग्रह से 1928 में इनको सरदार की उपाधि मिली थी, ठीक है जी। देन स्पैरो, स्पैरो किसको बोला जाता है? मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को। देन मोहन जोदारो का लोकल नेम क्या था? मृतकों का किला। मगध की कैपिटल क्या थी? राजगृह, बिहार में है। एंड नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? वो भी बिहार में ही है। और ह्यून त्सांग 7वीं सेंचुरी में एक चाइनीज ट्रैवल किया था, विजिट किया था उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी। बढ़ते हैं अगले 6th क्वेश्चन पे अपने, कौटिल्य। कौटिल्य सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ किनको बोला जाता है? चाणक्य, ठीक है। और चाणक्य का एक और नाम क्या था? विष्णुगुप्त भी था। तो कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखी है, देखो पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि अर्थशास्त्र किसने लिखी है, तो कौटिल्य ने या भी चाणक्य, एक ही नाम है, या विष्णुगुप्त, ठीक है, उनको अलग अलग नाम से बोला जाता था। और साथ में एक बात और याद रखनी है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे, ठीक है। तो अर्थशास्त्र किससे डील करता है, किस चीज़ में डील करता है? पॉलिटिकल पॉलिसी से, ठीक है, किससे डील करता है? पॉलिटिकल पॉलिसी से, या फिर मैं बोल सकता हूँ इकोनॉमिक पॉलिसी से भी डील करते थे, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रीन ऑफ कनिष्क, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संस्कृति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था कश्मीर में। तो वैसे तो ऑप्शन में जो आपके पेपर में आया था वो कश्मीर ही था खाली, तो मैंने इसे कश्मीर लगाया। हालांकि इनकी जो तीन हुई थी, जो चार जगह पे हुई थी, पहली हुई थी राजगृह में, देन वैशाली में, राजगृह वैशाली, देन आपके पास हुई पाटलिपुत्र, एंड देन कश्मीर, ठीक है। तो कनिष्क के टाइम पे हुई थी आपके पास, कहाँ पे हुई थी? कश्मीर में, ठीक है। पाटलिपुत्र हुई थी अशोक के समय पे, वैशाली जो हुई थी वो थी काल अशोक के समय पे, और राजगृह में हुए थे अजातशत्रु के समय, तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। हाँ, और कश्मीर में जो याद रखना है अपने, कश्मीर है जो वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कश्मीर साहब कनिष्क से याद रखोगे, और यहाँ की थी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हुई थी, ठीक है जी। मिर्चा कटिका, मिर्ची का कटिका किसके द्वारा लिखी गई है? शूद्रका के द्वारा, ठीक है, शूद्रका के द्वारा मिर्चा कटिका लिखी गई है। देन राष्ट्रकूता एम्पायर किसके द्वारा स्थापना की गई थी, राष्ट्रकूता एम्पायर की? तो दांती दुर्ग के द्वारा, या दंती दुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूता एम्पायर की स्थापना की गई थी। देन कौन सा दिल्ली का सुल्तान ऐसा है जिसने मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म, ठीक है, बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जाना जाता है? वो अलाउद्दीन खिलजी। और आपको पता है इनको क्या बोला जाता है, ठीक है, सिकंदर ए सानी भी बोला जाता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, या हजार ए दिनारी ये भी बोला जाता है। अब आपको याद रखना है दो चीज़ें, मैं और ऐड ऑन कर देता हूँ, घोड़ा दागने की प्रथा इन्होंने लागू की थी, ठीक है, और दीवाने रियासत लागू किया चलाया था, दीवाने रियासत, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन हमने किए, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? कौटिल्य के द्वारा। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? कश्मीर में। और कौन थे उसमें भी, उसमें कौन राजा था उसमें? कनिष्क। मिर्चा कटिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये शूद्रका के द्वारा। राष्ट्रकूटा अंपायर किसने फाउंड किया था? तो दांती दुर्ग ने। और दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने की प्रथा चलाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी, जिनको हम सिकंदर ए सानी के नाम से भी जानते हैं, और दीवाने सॉरी और हजारे दिनारी के नाम से भी जानते हैं। फिर बात करते हैं अपने 11th क्वेश्चन की, बीजापुर, ठीक है। जो बीजापुर है वो किसके लिए जाना जाता था? गोल गुंबज के लिए। तो ये कहाँ पर है आपको याद रखना है? जो बीजापुर है वो कर्नाटक में है, तो ये किसके लिए जाना जाता था? गोल गुंबज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, आईने अकबरी, आईने अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल ने। तो आईने अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल ने। तो एक और चीज़ मैं लिखाता हूँ, हुमायूं नामा किसने लिखी है? हुमायूं नामा लिखी है गुलबदन बेगम ने, गुलबदन बेगम, हुमायूं की बहन थी ये, ठीक है। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा, ठीक है।
तो याद रखनी है, एक किताब मैंने आपको और बता दी, एक आईने अकबरी किसने लिखी है, अबुल फजल ने, और हुमायूं नामा किसने लिखी है, गुलबदन बेगम ने। देन भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज था जो पहला किला था, जो किसके द्वारा निर्मित था, भारत अंग्रेजों के द्वारा, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, जो ये आपका है वो 1639 में फाउंड हुआ था, और बनके कब पूरा कब हुआ था, 1644 में बनके तैयार हुआ। 39 में क्या हुआ था, इसको आपके पास फाउंडेड हुआ था, और कंस्ट्रक्शन कब हुई, 1644 में, ठीक है। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन की बात की गई है, तो याद रखना 1644। देन राजा रणजीत सिंह, बहुत जगह नाम सुनते हैं हिमाचल में, बहुत जगह नाम सुनते हैं इनका, ठीक है। तो जो इनकी कैपिटल थी पंजाब की, वो कहाँ लोकेटेड थी, लाहौर, ठीक है, लाहौर। देन पहला गवर्नर जनरल भारत का वो कौन था, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक का नाम बहुत फेमस है, क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या की थी, सती प्रथा एक्ट लेके आए थे, अबोलिशन ऑफ सती प्रथा एक्ट, सती प्रथा को रोकने के लिए एक्ट लेके आए थे, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इनका सहयोग किसने दिया था, राजा राम मोहन राय ने, कब लेके आए थे, 1829 एक्ट, तो अबोलिशन ऑफ सती, ठीक है, एक्ट, तो ये लेके आए थे, विलियम बेंटिक लेके आए थे 1829 में, विद दी हेल्प ऑफ राजा राम मोहन राय। देन बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा वाज इन द फेवर ऑफ झारखंड। एक्चुअली बिरसा मुंडा जो है ना, वो एक उन्होंने एक रेवोल्यूशन चलाया था, कम्युनिटीज के लिए रेवोल्यूशन चलाया था, अपने अपनी जो उनकी जाति थी उसके लिए उन्होंने चलाया था, तो बिरसा मुंडा बहुत फेमस है, तो कहाँ के हैं, झारखंड के। देन लखनऊ पैक्ट, पहले सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है, लखनऊ पैक्ट कब स्टार्ट हुआ था, कब कब हुआ था, समझौता कब हुआ था, 1916 में, और कौन लीडर थे इसमें, तो लखनऊ पैक्ट एक्चुअली ये हुआ था, मुस्लिम और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था लखनऊ पैक्ट। तो INC की तरफ से थे बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और मुस्लिम की तरफ से कौन थे आपके पास, अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो लखनऊ पैक्ट साइट हुआ था माइनॉरिटीज को लेके 1916 में। देन गांधी जी को अर्ध नंगा किसने कहा था, ठीक है, तो ये भिखारी किसने कहा था, ये उनको विंस्टन चर्चिल ने कहा था। देन प्रथम मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई थी, फर्स्ट मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन टेक प्लेस इन रशिया। रशियन रेवोल्यूशन की बात मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, अमेरिकन रेवोल्यूशन की बता चुका हूँ, ऑस्ट्रेलियन रेवोल्यूशन की बता चुका हूँ, तो आपको उसे याद रखना है कि मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन पहला कहाँ पे हुआ था, रशिया में। देन गीत गोविंद है वो किस भाषा में लिखी गई थी, संस्कृत में, और किसके द्वारा लिखी गई थी, जय देव के द्वारा। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, इसे याद रखना, जय देव के द्वारा लिखी गई थी। देन एट विच प्लेस द फेमस एनगैंटेड त्रिमूर्ति सदाशिव लोकेटेड, ठीक है, तो ये एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र, याद रखना है एलिफेंटा केव्स, ठीक है, वहां पर क्या है प्रसिद्ध गुड त्रिमूर्ति सदाशिव किस स्थान पर है, एलिफेंटा। नेक्स्ट अमंग एस्टेरॉइड्स नेबुले, ठीक है, कमेट्स प्लैनेट्स विच डू नॉट बिलोंग टू सोलर सिस्टम, तो आएगा नेबुले, क्यों मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये क्या होता है, ये एक क्लस्टर होता है गैसेस का जो आउटर स्पेस में होता है, इसलिए इनमें से सिर्फ एक यही ऐसा है जो हमारे सौर प्रणाली में नहीं होता, ठीक है। तो आपके पास ग्रह भी होते हैं, धूमकेतु भी होते हैं, और क्षुद्र ग्रह भी होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट कौन सी गैस ऐसी है जो एक्सोस्फेयर में सबसे अधिक पाई जाती है, एक्सोस मतलब बाहरी परत में पाई जाती है, तो हाइड्रोजन। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया था आपके पास, हमारे पास गैस होते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजो, ठीक है, देन आपके पास थर्मो, देन एक्सो। थर्मो को आइनो भी बोलते हैं, तो आयनमंडल को टेंशन नहीं लेना कि थर्मोस्फेयर क्यों लिख दिया है, ठीक है, तो ये वाली स्फीयर होती है। तो एक्सोस्फेयर में कौन सी गैस अधिक पाई जाती है, हाइड्रोजन। ग्रेट बैरियर रीफ किस कंट्री में लोकेटेड है, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया, प्यासी भूमि का देश भी बोला जाता है इसको, और इसकी कैपिटल क्या है, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है आपके पास, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। विच रिवर इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, कौन सी रिवर ऐसी है जो सबसे लंबी है संसार में, वो कौन सी है, अमेजोन, ठीक है, अमेजोन नदी है जो सबसे लंबी नदी है। देन जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ पे होती है, ठीक है, तो याद रखना टॉरिड जोन। अब आप समझ रहे होंगे टॉरिड जोन होता क्या है, थोड़ा सा आसान कर लेता हूँ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट,
थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि हाँ कुछ समझ में से लग रहा है, थोड़ा और आसान कर देता हूँ। तो उष्ण कटिबंधीय वन, अब ये आसान लग रहा है, उष्ण कटिबंधीय वन ये होते क्या है? ठीक है, इसको मैं आपको बताता हूँ। ये एक्चुअली होते हैं जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो पृथ्वी का क्षेत्र होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन बोलते हैं, कोल्ड जोन बोलते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? उष्ण कटिबंधीय जगह पे होती है। ठीक है जी। देन साल्ट ट्रीज, साल्ट ट्रीज सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? साउथ ईस्ट एशिया में होते हैं। ठीक है, और ये किसके स्पीसीज होते हैं? एस रोबस्टा, इसको कहते हैं एस रोबस्टा। देन सुनामी, सुनामी आपको याद होगा भारत में जब सुनामी आई थी 2005 में, बहुत खतरनाक सुनामी आई थी। सुनामी के अंदर क्या होता है? अर्थक्वेक भी आता है, ठीक है, पानी के थ्रू भी लहरें आती हैं, मतलब बहुत बुरा हाल होता है, डिजास्टर मतलब जिसे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा होता है सुनामी। इसके द्वारा नहीं होते साइक्लोन, साइक्लोन कहते हैं हवा, ठीक है, हवा के चक्री बनना, तो उसके द्वारा नहीं होता, या हरिकेन्स के द्वारा नहीं होता। देन बिली बिली, ये भी बहुत फेमस है, ये साइक्लोन है, साइक्लोन का नाम है, और कहाँ चलता है? ऑस्ट्रेलिया में, बिली बिली। ठीक है जी। देन टबैको का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? चाइना। कौन है जी? चाइना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में से कौन से स्टेट है जो सबसे स्मॉलेस्ट एरिया में, इन स्टेट में से कौन सी? तमिलनाडु। तमिलनाडु सबसे छोटी है इन स्टेट में से, और वैसे अगर सेंसिस के अकॉर्डिंग देखी जाए तो गोवा सबसे छोटी स्टेट है। ठीक है जी। देन गल्फ ऑफ मन्नर कहाँ पर है? तो ये बहुत बार हम पढ़ भी चुके हैं, अपने क्लास में करा भी चुका हूँ, तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नर। देन दुर्गापुर, दुर्गापुर, दुर्गा माता का तो आपने सुना ही है ना, दुर्गा कितनी फेमस है, कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में बहुत फेमस है। तो कौन सी नदी के किनारे है? दामोदर। बंगाल का श्रोत भी बोला जाता है दामोदर नदी को, तो आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी होगी। कंट्री डेट शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया, तो ये आपको, अगर आप मेरे करंट अफेयर्स देखे होंगे पिछले दिन के, तो आपको समझ आ गया होगा कि इसके बारे में मैंने बता रखा है, 4096 किलोमीटर, तो इसे लंबा शेयर बॉर्डर शेयर करता है कौन? बांग्लादेश। देन नेक्स्ट, पीर पंजाल रेंज हिमालय की किस पार्ट की है? लेसर हिमालय की, तो नीचे वाले हिमालय की, लेसर हिमालय की है पीर पंजाल रेंज। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं, नंदा देवी पीक बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन से पार्क हैं? वैली ऑफ फ्लावर्स, चमोली नेशनल पार्क, ठीक है, देन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है जी। देन गांधी सागर रिजर्वियर किस नदी पे बना हुआ है? चंबल नदी पे बना हुआ है। ठीक है, और मोस्टली ये यहाँ पे कहाँ पर है? शेयर करते हैं ये मध्य प्रदेश और राजस्थान शेयर करते हैं, तो याद रखना है। ठीक है, गांधी सागर रिजर्वियर चंबल नदी। दिल्ली को मुंबई से कौन सा हाईवे कनेक्ट करता है? नेशनल हाईवे 8। देन जावर के खाने, ठीक है, जवार के खाने हैं वो कहाँ पे फेमस, किस चीज़ के लिए फेमस है? जिंक, इसके लिए फेमस है, जिंक के लिए फेमस है। देन सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कहाँ पर है? बुलर लेक है जम्मू कश्मीर, कौन सी है? बुलर लेक जम्मू कश्मीर में। ठीक है जी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपने याद रखना चिल्का लेक, चिल्का लेक, याद रखना जे एंड के में है, और याद रखना ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, ऑफ इंडिया वाज एनविसेज्ड, ठीक है, भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना की परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी? यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये कब आया था भारत में? 1946 में आया था। ठीक है, प्रपोजल रखा गया था 1942 में, और इंडिया में लागू किया गया था 1946 में। देन धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संशोधन द्वारा 1976। ठीक है जी। देन भारतीय नागरिकता किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? तो हम बहुत तरीकों से कर सकते हैं, मतलब 5 तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन आपकी ऑप्शन थी बाय डिसेंडेंट, बाय नेचुरलाइजेशन, या बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो या तो अपने जो पूर्वजों के द्वारा, या आप यहीं के यहीं पर रहते हैं तो इसलिए नेचुरलाइजेशन, या फिर रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। देन PIL, जो PIL है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? USA से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखनी है, USA से ओरिजिनेट हुआ है। देन ये पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, अब फिर से दोबारा क्वेश्चन आ गया है, 1975 में जब एमरजेंसी लगी थी
उस समय प्रेसिडेंट कौन था भारत का? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है जी। देन नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है? ठीक है, तो याद रखना राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा के द्वारा। ठीक है, तो राज्यसभा के द्वारा क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट को, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। इसलिए लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है इंडिया की? लद्दाख। देन फर्स्ट लोक अदालत, ठीक है जी, फर्स्ट लोक अदालत वाज हेल्ड इन विच ईयर? ठीक है जी, फर्स्ट लोक अदालत इस ईयर में हेल्ड की गई थी 1986 में। देन अब मिनिस्टर इन अ स्टेट इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द, ठीक है, अगर कोई मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, वैसे इसका आंसर आना चाहिए सीएम के लिए होता है, और सीएम किसके लिए होता है, गवर्नर के लिए होता है। देन यूनियन लिस्ट कंटेन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स? यूनियन लिस्ट कितने विषय कंटेन करती है? 97। और स्टेट लिस्ट कितने कंटेन करती है? 66। इनमें से ग्राम पंचायत का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तो ये है आपके पास लेवी ड्यूटी, मतलब जब आप क्या लगते हो, शुल्क टैक्सेस लेते हो, टैक्सेस वगैरह लेते हो, तो वो इस ग्राम पंचायत के सोर्स ऑफ इनकम है। देन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कब सेटअप हुआ था? 1992 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। देन 20-पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम कब पहली बार अनाउंस हुआ था? 1975 में, जब एमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, उससे पहले में। ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन किस सिटी में इनिशिएट हुआ गया था? बांसवाड़ा, राजस्थान में। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कहाँ स्टार्ट हुआ था? बांसवाड़ा में, राजस्थान में। इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद, ठीक है, आर्थिक विकास आमतौर पर किससे जुड़ा हुआ है? इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन में होता है जब आपकी कोई चीज की दर बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, ठीक है, तो उससे जुड़ा हुआ है। देन इनमें से कौन सा दर ऐसा है जो आरबीआई के द्वारा डिटरमाइन नहीं होता? तो PLR, ठीक है जी, PLR है, ठीक है, प्राइम लैंडिंग रेट है, जो आरबीआई के द्वारा नहीं लगाया जाता है। वरना रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, CRR हो गया, तो ये किसके द्वारा लगाया जाता है? आरबीआई के द्वारा। देन IRDA, हाँ, एक चीज और रह गई, आरबीआई एक्ट कब बना था, कब आया था? 1 अप्रैल 1935 में। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। ठीक है, नेशनलाइजेशन हुई थी इसकी 1949 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई, बहुत बार बता चुका हूँ, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। शक्ति कांता दास इसके आजकल क्या है? हमारे गवर्नर है। ठीक है जी। देन IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या एक तरफ से इंश्योरेंस सेक्टर है। ठीक है, प्रत्यक्ष करों का न्यूनतम प्रभाव इसके लिए होता है, कैपिटल गुड्स के लिए होता है, तो आपने याद रखना है। देन व्यापार, परिवहन, व्यापार सेवा, बिजली में से कौन सा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? ठीक है जी, तो आपको याद रखना है कौन सा नहीं आता है जी, इनमें से कौन कौन है हमारे पास? ट्रेड, देन ट्रांसपोर्ट, ठीक है जी, और देन आपके पास आ गया बिजनेस सर्विसेज, और देन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, ये किसके अंदर नहीं आया, तो इनमें से कौन सा नहीं आता? इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता है। ठीक है, तो जो ये आपके पास तृतीय क्षेत्र होता है ना, ये किसके अंदर आता है? जैसे कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन होगी, हेल्थ केयर होगी, रियल एस्टेट होगी, उसके लिए होता है ये। ठीक है, जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो और आपका काम क्या है कि आप गुड्स प्रोवाइड नहीं करोगे कंज्यूमर को, ठीक है, आप सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। देन ड्यूरिंग विच प्लान वाज ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? तो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ, एम एस स्वामीनाथन थे फादर इसके। ठीक है, इंडिया में, ठीक है, नॉर्मल बर्ड लोग हैं जो वर्ल्ड के हैं। ठीक है, तो ये कौन से 5 ईयर प्लान में आता? 3rd 5 ईयर प्लान में इसको लिया गया। Then next, बढ़ते हैं आगे। Which is the best measure for economic growth of a country? तो gross national product, GNP होता है, जो आपको best economic growth बताता है country के बारे। Then, जो इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं, वो कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, स्पेशल मेंबर्स को याद रखना, तो 12। ठीक है, विच पर्सनैलिटी हैड नेवर सर्व्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो ये ऑप्शन से उठाया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन।
ठीक है। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में? तो ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होता है? प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है किसी भी हाउस के द्वारा, आइदर ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है जी, तो आपको याद रखना है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री के लिए किसके लिए बेस्ट मेजर हम कर सकते हैं? GNP। ठीक है, तो आपने याद रखना है GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, आपने याद रखना है, या फिर कहीं बार ना इसको GNP को हम क्रॉस नेशनल इनकम भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब उसमें टेंशन मत लेना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते तो क्या डेफिनेशन आ गई, ग्रॉस नेशनल इनकम भी बोलते हैं। ठीक है जी, देन आप क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितने अपॉइंट कर सकते हैं मेंबर्स को? राज्यसभा में 12 मेंबर्स को। ठीक है, और मैं 63-64 को भी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑप्शन से उठाए गए हैं आंसर्स इसके। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीचमेंट में होता है महाभियोग, किस हाउस में इनिशिएट किया जाता है? किसी भी हाउस में हो सकता है, पार्लियामेंट या चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा, और उनको 14 दिन का पहला प्रायर नोटिस दिया जाएगा। देन विच डज नॉट फाइंड द मेंशन इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो हमारे जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें क्या चीज मेंशन नहीं है? ये भी ऑप्शन उठाया गया है, शहीदों के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 370 हट चुका है और 35 ए भी हट चुका है, तो किससे डील करता था? स्पेशल स्टेटस ऑफ JNA। ठीक है, कौन सा संविधान द्वारा नए राज्य बनाने का अधिकार देता है? पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, कोई बिल पास कर सकते हैं अगर हमें कोई एक नई स्टेट बनानी है। ठीक है जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हम याद रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो चीफ इलेक्शनल कमिश्नर है आपके पास, वो कैसे रिमूव हो सकते हैं? ठीक है, तो वो अपने कैसे रिमूव हो सकते हैं? बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा हो सकते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, जब दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस के द्वारा कोई रेजोल्यूशन पास होगा, जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा, तो तब वो प्रेसिडेंट क्या कर देगा, उनको हटा सकता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है, ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर आफ्टर एवरी टू इयर्स। राज्यसभा के कितने जो मेंबर सदस्य हैं हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं? 1/3। ठीक है, 1/3 बाद रिटायर होते हैं, और इनका टेन्योर कितना रहता है? 6 साल का रहता है, और परमानेंट बॉडी होती है, इसको आप रिमूव नहीं कर सकते। देन राज्यसभा कैन हैव मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ, कितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है? 250 की स्ट्रेंथ हो सकती है राज्यसभा में मैक्सिमम। ठीक है, श्री सुभाष चंद्र बोस इज एसोसिएटेड विद, ठीक है, जिस क्वेश्चन बहुत से किससे एसोसिएटेड है? फॉरवर्ड ब्लॉक से एसोसिएटेड है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार सुना है, और इस चीज़ पे एक वेब सीरीज भी आ चुकी है। ठीक है, देन चुनाव याचिका पर निर्णय लेने की शक्ति किसकी होती है? हाई कोर्ट। ठीक है जी, लास्ट मंथ ऑफ INC कैलेंडर इज, इंडियन नेशनल कैलेंडर इज फागुन, फागुन का महीना। ठीक है, वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया को हम कौन इलेक्ट करते हैं? इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। वार्षिक का बता देता हूँ, सुभाष चंद्र बोस किससे एसोसिएटेड है? फॉरवर्ड ब्लॉक से। ठीक है, पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पटिशन, ठीक है, चुनाव याचिका पर निर्णय लेने की शक्ति निहित किस पे होती है? हाई कोर्ट पे। ठीक है, और इंडियन नेशनल कैलेंडर में लास्ट मंथ कौन सा होता है? फागुन का। वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया का है वो कौन इलेक्ट करता है? कोई भी पार्लियामेंट। ठीक है, इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। देन फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम मिस वर्ल्ड, कौन है? रीता फेरा। रीता फेरा जो क्या बनी थी, पहली मिस वर्ल्ड बनी थी रीता फेरा। देन लेडी विद द लैंप किसको बोला जाता है? सरोजिनी नायडू को। द्रोणाचार्य अवार्ड हम किसके देते हैं? कोचेस के लिए। अर्जुन अवार्ड स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है। फर्स्ट एशियन गेम्स कब हुए थे? कहाँ पे हुए थे? सॉरी, दिल्ली में हुए थे, याद रखना है। कहाँ हुए थे? दिल्ली में हुए थे फर्स्ट एशियन गेम्स। ओलंपिक गेम्स 2016 के कहाँ हुए थे? ब्राजील में। ठीक है, अब देखो हम कई बार सोचते हैं कि यार ये क्वेश्चन अब तो हमें आएगा नहीं क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं भी कभी भी आ सकते हैं, तो आपको याद रखने हैं। ठीक है जी, जो अभी 2023 में होंगे वो कहाँ होंगे? बर्लिन में, ये भी मैंने बता दिया आपको, बर्लिन में होंगे। पंकज अडवाणी किससे संबंधित हैं? वो
बिलियर्ड्स, स्नूकर से बिलियर्ड्स से संबंधित है। पहला पर्सन जिनको भारत रत्न मिला था 1954 में डॉक्टर एस राधाकृष्ण को, और भारत रत्न की शुरुआत में 1954 में हुई थी। ठीक है, भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। ठीक है, 1954 में शुरुआत हुई थी। देन द ड्रामेटिक डिकेड द इंदिरा, ठीक है, ये बुक किसने लिखी है? प्रणब मुखर्जी ने लिखी थी। ठीक है, द ड्रामेटिक डिकेड द इंदिरा। देन अगर आपको टेबल को तोड़ना है तो आप शॉर्टकट की क्या लगाओगे? आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर, इन सबको इकट्ठे जब आप लगाओगे तो आपके टेबल क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। देन एक निबल किसके इक्विवेलेंट होता है? 4 बिट्स का। ठीक है, 4 बिट्स का। नाथुला पास कहाँ पर है? सिक्किम में है नाथुला पास। देन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को, सॉरी ऊपर नीचे हो गया, 5 जून को मैं ऐसे कर देता हूँ, 5 जून को मनाया जाता है। और कौन सा लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का? जुपिटर। ठीक है जी, ये ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा ध्यान रख लेना। देन नेक्स्ट, मानसरोवर से, मानसरोवर जो लेक है वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी, इंडस। देन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितना है? 10 ईयर में कितना है? 17.9% बढ़ता है, बढ़ रहा है। जनगण मनगण कब अडॉप्ट किया गया था? 24 जनवरी 1950। राज्यसभा के एक्स ऑफिस चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट, अभी मैं पीछे बता चुका हूँ आपको। देन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब लॉन्च हुई थी? 2007 में। BSNL, ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड कब बना था? 2000 में बना था। पोलियो किसके द्वारा कॉज किया जाता है? वायरस के द्वारा। ठीक है जी, बढ़ते अपने लास्ट 5 क्वेश्चंस। गंगटोक की कैपिटल क्या है? सिक्किम, सॉरी गंगटोक किसकी कैपिटल है? सिक्किम की। सोमनाथ टेम्पल कहाँ पर है आपके पास? शिव जी का टेम्पल है गुजरात में। पैरट ऑफ इंडिया, भारत का तोता किसको बोला जाता है? अमीर खुसरो। नवरत्न में आता है इनका नाम। फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म किसको बोला जाता है? जिसको जो वेस्टर्न एजुकेशन को भी लेके आए थे, राजा राम मोहन राय। देन गो बैक टू वेदास, इस स्लोगन किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो हम आपके लिए 100 क्वेश्चन का एक पैक लेके आए हैं, होप सो आपको ये पसंद आया होगा। और ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन हैं जो पेपर में आपके आ रखे हैं। आपने अभी तक दो एग्जाम्स को जो हमने अभी 100 क्वेश्चन डाले हैं, आपने कुछ चीज़ नोटिस की हुआ होगा कि जो एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू है एग्जाम डालने का, वो किस तरीके का है। वो एक ही जगह से वो 2-3 क्वेश्चन उठा रहा है। अगर उसने बिहार से क्वेश्चन उठाया तो 2-3 क्वेश्चन वहाँ से उठाए हैं। अगर उसने कोई वाइस प्रेजिडेंट का क्वेश्चन उठाया है तो उसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और उठाए हैं। ठीक है, तो वही वो पैटर्न हमेशा फॉलो कर रहा है, और उसी पैटर्न को हम आपको और एक्सप्लोर करेंगे और चीज़ें बताएंगे। बस आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो आज फिर से हम आपके लिए लेके आए हैं 100+ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर। तो ये मोस्टली हमने कवर किए हैं स्टेट लेवल के एग्जाम्स, जहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें स्टैटिक जीके है, इसमें इकोनॉमिक्स भी इंक्लूड होगी, ज्योग्राफी भी इंक्लूड होगी, हिस्ट्री भी इंक्लूड हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द इंडियन बिस्मार्क? इंडियन बिस्मार्क के नाम से कौन जाना जाता है? तो सिंपल सा आंसर इसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो इंडियन बिस्मार्क के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके बारे में मैं कुछ मेन चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। तो इनको सबसे पहली बात है, इनको इंडियन बिस्मार्क क्यों बोला जाता है? इनको इंडियन बिस्मार्क इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने क्या किया था, 71 से ज़्यादा रियासतों को इकट्ठा किया था। ठीक है, जब देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो क्या हुआ कि अब इंडिया को एक यूनियन तो बनाना था, स्टेट्स को सबको इकट्ठा करना था, लेकिन बहुत सारी रियासतें ऐसी थी जहाँ पे राजा राज करते थे। तो उन राजाओं को मनाने का काम किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इसलिए इनको इंडियन बिस्मार्क बोला जाता है, या फिर आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, लोह पुरुष भी बोला जाता है। सेकंड चीज़ याद रखनी है आपको, 182 मीटर सबसे लंबा स्टैचू इनका बना है, 182 मीटर का। कहाँ बना हुआ है? गुजरात में बना हुआ है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। मैं यहाँ देता हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड स्टैचू है आपका, क्या बोलते हैं, जो आपका स्टैचू ऑफ इक्वलिटी था रामानुजन का, ठीक है, और रामानुजा का, अब क्या है, सरदार पटेल जी का है स्टैचू ऑफ यूनिटी। 182 मीटर सबसे बड़ा स्टैचू है ये। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अच्छा, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? फर्स्ट होम मिनिस्टर भी थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया के।
तो याद रखना है भारत रत्न इनको प्राप्त हो चुका है और इनका जन्म जो था वो इलाहाबाद में हुआ था। तो आपको कुछ मेन चीज़ें याद रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ आपको और इन्फॉर्मेशन भी दी। पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता था और बिस्मार्क भी बोला जाता था। देन 182 मीटर लंबा एक स्टैचू है जिसको बोलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, वो कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है। तो और दूसरी बात आपने देखी है, ये पहले होम मिनिस्टर भी थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे इंडिया के। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम द टाइटल ऑफ स्पैरो। तो टाइटल है स्पैरो का, वो किसको दिया गया था, मेजर जनरल राजेंद्र सिंह, ठीक है। तो इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपको बताऊँ कि पेपर में बार बार रिपीट होगा, तो इसलिए आपको बस ये याद रखना है। देन लोकल नेम ऑफ मोहन जोदारो, मोहन जोदारो का लोकल नेम क्या है, माउंट ऑफ डेड, मतलब मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, ये आपको याद रखना है, ठीक है, मृतकों का टीला, ठीक है। तो ये किसको बोला जाता है आपके पास, मोहन जोदारो। देन व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मगध, मगध की कैपिटल क्या थी, राजगृह, राजगृह कहाँ है, बिहार में है। उसके बाद मगध की कैपिटल पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी गई थी। आजकल बिहार की कैपिटल क्या है आपके पास, आजकल है पटना, ठीक है। तो मगध के टाइम पे क्या कैपिटल थी, राजगृह, ठीक है। उसके बाद उसको शिफ्ट कर दिया गया था पाटलिपुत्र में। देन नेक्स्ट, इन विच स्टेट वाज नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन इंडिया, नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ लोकेट हुई थी, बिहार, कहाँ पर थी, बिहार में, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ह्यून त्सांग, इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, एक चाइनीज ट्रैवलर थे, ठीक है। उन्होंने 7वीं सेंचुरी में नालंदा यूनिवर्सिटी को क्या किया था, विजिट किया, ह्यून त्सांग, ठीक है जी। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं फटाफट से, बिस्मार्क को बोला जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। देन स्पैरो, हाँ एक चीज़ और आपके पास बताता हूँ, इनको सरदार की उपाधि कहाँ से मिली थी, बरदोली सत्याग्रह से 1928 में इनको सरदार की उपाधि मिली थी, ठीक है जी। देन स्पैरो, स्पैरो किसको बोला जाता है, मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को। देन मोहन जोदारो का लोकल नेम क्या था, मृतकों का टीला। मगध की कैपिटल क्या थी, राजगृह, बिहार में है। एंड नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, वो भी बिहार में ही है। और ह्यून त्सांग 7वीं सेंचुरी में एक चाइनीज ट्रैवल किया था, विजिट किया था उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी। बढ़ते हैं अगले 6 क्वेश्चन पे अपने, कौटिल्य, कौटिल्य सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ किनको बोला जाता है, चाणक्य, ठीक है। और चाणक्य का एक और नाम क्या था, विष्णुगुप्त भी था। तो कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखी है, देखो पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि अर्थशास्त्र किसने लिखी है, तो कौटिल्य ने या भी चाणक्य, एक ही नाम है, या विष्णुगुप्त, ठीक है, उनको अलग अलग नाम से बोला जाता था। और साथ में एक बात और याद रखनी है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे, ठीक है। तो अर्थशास्त्र किससे डील करता है, किस चीज़ में डील करता है, पॉलिटिकल पॉलिसी से, ठीक है, किससे डील करता है, पॉलिटिकल पॉलिसी से, या फिर मैं बोल सकता हूँ इकोनॉमिक पॉलिसी से भी डील करते थे, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रीन ऑफ कनिष्क, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संस्कृति का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था कश्मीर में। तो वैसे तो ऑप्शन में जो आपके पेपर में आया था वो कश्मीर ही था खाली, तो मैंने इसे कश्मीर लगाया। हालांकि इनकी जो तीन हुई थी, जो चार जगह पे हुई थी, पहली हुई थी राजगृह में, देन वैशाली में, राजगृह वैशाली, देन आपके पास हुई पाटलिपुत्र, एंड देन कश्मीर, ठीक है। तो कनिष्क के टाइम पे हुई थी आपके पास, कहाँ पे हुई थी, कश्मीर में, ठीक है। पाटलिपुत्र हुई थी अशोक के समय पे, वैशाली जो हुई थी वो थी काल अशोक के समय पे, और राजगृह में हुए थे अजात शत्रु, तो ये आपको याद रखना, ठीक है। हाँ, और कश्मीर में जो याद रखना है अपने, कश्मीर है जो वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कश्मीर सब कनिष्क से याद रखोगे, और यहाँ की थी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हुई थी, ठीक है जी। मिर्चा कटिका, मिर्ची का कटिका किसके द्वारा लिखी गई है, शूद्रका के द्वारा, ठीक है, शूद्रका के द्वारा मिर्चा कटिका लिखी गई है। देन राष्ट्रकूता एम्पायर किसके द्वारा स्थापना की गई थी, राष्ट्रकूता एम्पायर की, तो दांती दुर्ग के द्वारा, या दंती दुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूता एम्पायर की स्थापना की गई थी। देन कौन सा दिल्ली का सुल्तान ऐसा है जिसने मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म, ठीक है, बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जाना जाता है, वो अलाउद्दीन खिलजी। और आपको बताया इनको क्या बोला जाता है, ठीक है, सिकंदर ए सानी भी बोला जाता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, या हजार ए दिनारी ये भी बोला जाता है। अब आपको याद रखना है दो चीज़ें मैं और ऐड ऑन कर देता हूँ, घोड़ा दागने की प्रथा इन्होंने लागू की थी,
ठीक है, और दीवाने रियासत लग गया चलाया था, दीवाने रियासत, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन हमने किए। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? कौटिल्य के द्वारा। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? कश्मीर में। और कौन थे उसमें भी उसमें कौन राजा था उसमें? कनिष्क। मिर्चा कटिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये शूद्रका के द्वारा। राष्ट्रकूटा अंपायर किसने फाउंड किया था? तो दांती दुर्ग ने। और दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने की प्रथा चलाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी, जिनको हम सिकंदर सानी के नाम से भी जानते हैं और दीवाने सॉरी और हजारे दिनारी के नाम से भी जानते हैं। फिर बात करते हैं अपने 11th क्वेश्चन की, बीजापुर, ठीक है, जो बीजापुर है वो किसके लिए जाना जाता था? गोल गुंबज, गुंबज के लिए। तो ये कहाँ पर है आपको याद रखना है? जो बीजापुर है वो कर्नाटक में है, तो ये किसके लिए जाना जाता था? गोल गुंबज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, आईने अकबरी, आईने अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल ने। तो आईने अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल ने। तो एक और चीज़ मैं लिखाता हूँ, हुमायूं नामा किसने लिखी है? हुमायूं नामा लिखी है गुलबदन बेगम ने, गुलबदन बेगम, हुमायूं की बहन थी ये, ठीक है। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा, ठीक है। तो याद रखनी है, एक किताब मैंने आपको और बता दी, एक आईने अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल ने। और हुमायूं नामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने। देन भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो अपने फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज था जो पहला किला था, जो किसके द्वारा निर्मित था? भारत अंग्रेजों के द्वारा, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, जो ये आपका है वो 1639 में फाउंड हुआ था, और बनके कब पूरा कब हुआ था? 1644 में बनके तैयार हुआ। 39 में क्या हुआ था इसको, आपके पास फाउंडेड हुआ था और कंस्ट्रक्शन कब हुई? 1644, ठीक है। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन की बात की गई है, तो याद रखना 1644। देन राजा रंजीत सिंह, बहुत जगह नाम सुनते हैं हिमाचल में, बहुत जगह नाम सुनते हैं इनका, ठीक है। तो जो इनकी कैपिटल थी पंजाब की वो कहाँ लोकेटेड थी? लाहौर, ठीक है, लाहौर। देन पहला गवर्नर जनरल भारत का वो कौन था? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक का नाम बहुत फेमस है, क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या की थी? सती प्रथा एक्ट लेके आए थे, अबोलिशन ऑफ सती प्रथा एक्ट, सती प्रथा को रोकने के लिए एक्ट लेके आए थे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इनका सहयोग किसने दिया था? राजा राम मोहन राय ने। कब लेके आए थे? 1829 एक्ट, तो अबोलिशन ऑफ सती, ठीक है, एक्ट, तो ये लेके आए थे, विलियम बेंटिक लेके आए थे 1829 में, विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन राय। देन बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा वाज इन द फेवर ऑफ झारखंड। एक्चुअली बिरसा मुंडा जो है ना, वो एक उन्होंने एक रेवोल्यूशन चलाया था, कम्युनिटीज के लिए रेवोल्यूशन चलाया था, अपने अपनी जो उनकी जाति थी उसके लिए उन्होंने चलाया था। तो बिरसा मुंडा बहुत फेमस है, तो कहाँ के हैं? झारखंड के। देन लखनऊ पैक्ट, पहले सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है, लखनऊ पैक्ट कब स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था, समझौता कब हुआ था? 1916 में। और कौन लीडर थे इसमें? तो लखनऊ पैक्ट एक्चुअली ये हुआ था, मुस्लिम और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था लखनऊ पैक्ट। तो INC की तरफ से थे बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और मुस्लिम की तरफ से कौन थे आपके पास? अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो लखनऊ पैक्ट साइट हुआ था माइनॉरिटीज को लेके 1916 में। देन गांधी जी को अर्ध नंगा किसने कहा था, ठीक है? तो ये भिखारी किसने कहा था ये उनको? विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। देन प्रथम मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई थी? फर्स्ट मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन टेक प्लेस इन रशिया। रशियन रेवोल्यूशन की बात मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, अमेरिकन रेवोल्यूशन की बता चुका हूँ, ऑस्ट्रेलियन रेवोल्यूशन की बता चुका हूँ। तो आपको उसे ध्यान रखना है कि मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन पहला कहाँ पे हुआ था? रशिया में। देन गीत गोविंद, गीत गोविंद है वो किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में। और किसके द्वारा लिखी गई थी? जय देव के द्वारा। ये भी बहुत बार पूछा जाता है इसलिए याद रखना, जय देव के द्वारा लिखी गई थी। देन एट विच प्लेस द फेमस एनगैंटेड त्रिमूर्ति सदाशिव लोकेटेड, ठीक है। तो ये एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र, याद रखना है एलिफेंटा केव्स, ठीक है। वहां पर क्या है प्रसिद्ध गुट त्रिमूर्ति सदाशिव किस स्थान पर है? एलिफेंटा। नेक्स्ट अमंग एस्टेरॉइड्स नेबुले, ठीक है, कमेट्स प्लैनेट्स विच डू नॉट बिलोंग टू सोलर सिस्टम, तो आएगा नेबुले। क्यों मैं बता देता हूँ? क्योंकि ये क्या होता है, ये एक क्लस्टर होता है गैसेस का जो आउटर स्पेस में होता है,
इसलिए इनमें से सिर्फ एक यही ऐसा है जो हमारे सौर प्रणाली में नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पास ग्रह भी होते हैं, धूमकेतु भी होते हैं और क्षुद्र ग्रह भी। ठीक है जी, नेक्स्ट, कौन सी गैस ऐसी है जो एक्सोस्फेयर में सबसे अधिक पाई जाती है? एक्सोस मतलब बाहरी परत में पाई जाती है, तो हाइड्रोजन। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया था आपके पास, हमारे पास गैस होते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजो, ठीक है, देन आपके पास थर्मो, देन एक्सो। थर्मो को आइनो भी बोलते हैं, तो आयनमंडल को टेंशन नहीं लेना कि थर्मोस्फेयर क्यों लिख दिया है। ठीक है, तो ये वाली स्फीयर होती है। तो एक्सोस्फेयर में कौन सी गैस अधिक पाई जाती है? हाइड्रोजन। ग्रेट बैरियर रीफ किस कंट्री में लोकेटेड है? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश भी बोला जाता है इसको, और इसकी कैपिटल क्या है? कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है आपके पास? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, विच रिवर इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड? कौन सी रिवर ऐसी है जो सबसे लंबी है संसार में? वो कौन सी है? अमेजोन। ठीक है, अमेजोन नदी है जो सबसे लंबी नदी है। देन जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ पे होती है? ठीक है, तो याद रखना टॉरिड जोन। अब आप समझ रहे होंगे टॉरिड जोन होता क्या है, थोड़ा सा आसान कर लेता हूँ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि हाँ कुछ सुना सुना सा लग रहा है, थोड़ा और आसान कर देता हूँ, तो उष्ण कटिबंधीय वन। अब ये आसान लग रहा है, उष्ण कटिबंधीय वन, ये होते क्या है? ठीक है, इसको मैं आपको बताता हूँ, ये एक्चुअली होते हैं जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो पृथ्वी का क्षेत्र होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन बोलते हैं, टॉरिड जोन बोलते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? उष्ण कटिबंधीय जगह पे होती है। ठीक है जी, देन साल्ट ट्रीज। साल्ट ट्रीज सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? साउथ ईस्ट एशिया में होते हैं। ठीक है, और ये किसके स्पीसीज होते हैं? एस रोबस्टा। इसको कहते हैं एस रोबस्टा। देन सुनामी, सुनामी आपको याद होगा भारत में जब सुनामी आई थी 2005 में, बहुत खतरनाक सुनामी आई थी। सुनामी के अंदर क्या होता है? अर्थक्वेक भी आता है, ठीक है, पानी के थ्रू भी लहरें आती हैं, मतलब बहुत बुरा हाल होता है, डिजास्टर मेथड जिसे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। सुनामी किसके द्वारा नहीं होते? साइक्लोन। साइक्लोन कहते हैं हवा, ठीक है, हवा के चक्री बनना, तो उसके द्वारा नहीं होता, या हरिकेन्स के द्वारा नहीं होता। देन बिली बिली, ये भी बहुत फेमस है, ये साइक्लोन है, साइक्लोन का नाम है, और कहाँ चलता है? ऑस्ट्रेलिया में, बिली बिली। ठीक है जी, देन टबैको का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? चाइना। कौन है जी? चाइना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में से कौन सी स्टेट है जो सबसे स्मॉलेस्ट एरिया में, इन स्टेट में से? तो कौन सी? तमिलनाडु। तमिलनाडु सबसे छोटी है इन स्टेट में से, और वैसे अगर सेंसिस के अकॉर्डिंग देखी जाए तो गोवा सबसे छोटी स्टेट है। ठीक है जी, देन गल्फ ऑफ मन्नर कहाँ पर है? तो ये बहुत बार हम पढ़ भी चुके हैं, अपने क्लास में करा भी चुका हूँ, तमिलनाडु में, गल्फ ऑफ मन्नर। देन दुर्गापुर, दुर्गा माता का तो आपने सुना ही है ना, दुर्गा कितनी फेमस है, कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में बहुत फेमस है। तो कौन सी नदी के किनारे है? दामोदर। बंगाल का स्रोत में बोला जाता है दामोदर नदी को, तो आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी होगी। कंट्री डेट शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया, तो ये आपको, अगर आप मेरे करंट अफेयर्स देखे होंगे पिछले दिन के, तो आपको समझ आ गया होगा कि इसके बारे में मैंने बता रखा है, 4096 किलोमीटर तो से लंबा शेयर बॉर्डर शेयर करता है कौन? बांग्लादेश। देन नेक्स्ट, पीर पंजाल रेंज हिमालय की किस पार्ट की है? लेसर हिमालय की, जो नीचे वाले हिमालय की, लेसर हिमालय की है पीर पंजाल रेंज। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं, नंदा देवी पीक बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन से पार्क हैं? वैली ऑफ फ्लावर्स, चमोली नेशनल पार्क, ठीक है, देन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है जी, देन गांधी सागर रिजर्वियर किस नदी पे बना हुआ है? चंबल नदी पे बना हुआ है। ठीक है, और मोस्टली ये यहाँ पे कहाँ पर है? शेयर करते हैं ये मध्य प्रदेश और राजस्थान शेयर करते हैं, तो याद रखना है। ठीक है, गांधी सागर रिजर्वियर चंबल नदी। दिल्ली को मुंबई से कौन सा हाईवे कनेक्ट करता है? नेशनल हाईवे 8। देन जावर के खाने, ठीक है, जवार के खाने हैं वो कहाँ पे फेमस, किस चीज़ के लिए फेमस है? जिंक, इसके लिए फेमस है, जिंक के लिए फेमस है। देन सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कहाँ पर है? बुलर लेक है जम्मू कश्मीर, कौन सी है? बुलर लेक जम्मू कश्मीर में। ठीक है जी, और अगर आपसे पूछा जाता है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपने याद रखना चिल्का लेक,
सिलकले, ये याद रखना J&K में है और ये याद रखना ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान ठीक है ऑफ इंडिया वाज एनविसेस्ड आ ठीक है, भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना की परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी, यूनियन ऑफ स्टेट्स ठीक है। ये कब आया था भारत में, 1946 में आया था ठीक है, प्रपोजल रखा गया था 1942 में और इंडिया में लागू किया गया था 1946 में। देन धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 42वें संशोधन द्वारा 1976 ठीक है जी। देन भारतीय नागरिकता किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है, तो हम बहुत तरीकों से कर सकते हैं, मतलब 5 तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन आपके ऑप्शन सी बाय डिसेंडेंट, बाय नेचुरलाइजेशन या बाय रजिस्ट्रेशन ठीक है। तो या तो अपने जो पूर्वजों के द्वारा, या आप यहीं के यहीं पे रहते हैं तो इसलिए नेचुरलाइजेशन, या फिर रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप इसको प्राप्त। देन PIL, जो PIL है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ठीक है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, USA। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं याद रखनी है, USA से ओरिजिनेट हुआ है। देन ये पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, अब फिर से दोबारा क्वेश्चन आ गया है, 1975 में जब एमरजेंसी लगी थी उस समय प्रेसिडेंट कौन था भारत का, फखरुद्दीन अली अहमद ठीक है जी। देन नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है ठीक है, तो याद रखना राज्यसभा ठीक है, राज्यसभा के द्वारा ठीक है। तो राज्यसभा के द्वारा क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट को, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। इसलिए लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है इंडिया की, लद्दाख। देन फर्स्ट लोक अदालत ठीक है जी, फर्स्ट लोक अदालत वाज हेल्ड इन विच ईयर ठीक है जी, फर्स्ट लोक अदालत इस ईयर में हेल्ड की गई थी 1986 में। देन अब मिनिस्टर इन अ स्टेट इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द ठीक है, अगर कोई मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, वैसे इसका आंसर आना चाहिए CM के लिए होता है, और CM किसके लिए होता है, गवर्नर के लिए होता है। देन यूनियन लिस्ट कंटेन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स, यूनियन लिस्ट कितने विषय कंटेन करती है, 97, और स्टेट लिस्ट कितने कंटेन करती है, 66। देन इनमें से ग्राम पंचायत का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो ये है आपके पास लेवी ड्यूटी, मतलब जब आप क्या लगते हो शुल्क टैक्सेस लेते हो, टैक्सेस वगैरह लेते हो, तो वो इस ग्राम पंचायत के सोर्स ऑफ इनकम है। देन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कब सेटअप हुआ था, 1992 में, इंपॉर्टेंट है याद रखोगे। देन 20-point इकोनॉमिक प्रोग्राम कब पहली बार अनाउंस हुआ था, 1975 में, जब एमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, उससे पहले में ठीक है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन किस सिटी में इनिशिएट हुआ गया था, बांसवाड़ा राजस्थान में ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कहाँ स्टार्ट हुआ था, बांसवाड़ा में राजस्थान में। इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद ठीक है, आर्थिक विकास आमतौर पर किससे जुड़ा हुआ है, इन्फ्लेशन से, इन्फ्लेशन में होता है जब आपकी कोई चीज की दर बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है ठीक है, तो उससे जुड़ा हुआ है। देन इनमें से कौन सा दर ऐसा है जो RBI के द्वारा डिटरमाइन नहीं होता, तो PLR ठीक है जी, PLR है ठीक है, प्राइम लैंडिंग रेट है जो RBI के द्वारा नहीं लगाया जाता, वरना रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, CRR हो गया, तो ये किसके किसके द्वारा लगाया जाता है, RBI के द्वारा। IRDA, हाँ एक चीज और रह गई, RBI एक्ट कब बना था, कब आया था, 1 अप्रैल 1935 में, और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 में ठीक है, नेशनलाइजेशन हुई थी इसकी 1949 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, मुंबई, बहुत बार बता चुका हूँ क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, शक्ति कांता दास इसके आजकल क्या है, हमारे गवर्नर है ठीक है जी। देन IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या एक तरह से इंश्योरेंस सेक्टर है ठीक है। प्रत्यक्ष करों का न्यूनतम प्रभाव इसके लिए होता है, कैपिटल गुड्स के लिए होता है, तो आपने याद रखना है। देन व्यापार परिवहन व्यापार सेवा बिजली में से कौन सा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता ठीक है जी, तो आपको याद रखना है कौन सा नहीं आता है जी, इनमें से कौन कौन है हमारे पास, ट्रेड, देन
ट्रांसपोर्ट, ठीक है जी, और देन आपके पास आ गया बिजनेस सर्विसेज, और देन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। ये किसके अंदर नहीं आया, तो इनमें से कौन सा नहीं आता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता है, ठीक है। तो जो ये आपके पास तृतीय क्षेत्र होता है ना, ये किसके अंदर आता है, जैसे कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन होगी, हेल्थ केयर होगी, रियल एस्टेट होगी, उसके लिए होता है ये, ठीक है, जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो और आपका काम क्या है कि आप गुड्स प्रोवाइड नहीं करोगे कंज्यूमर को, ठीक है, आप सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। देन ड्यूरिंग विच प्लान वॉज ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, तो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ, एम एस स्वामीनाथन थे फादर इसके, ठीक है, इंडिया में, ठीक है, नॉर्मल बड़े लोग हैं जो वर्ल्ड के हैं, ठीक है। तो ये कौन से फाइव ईयर प्लान में आता, थर्ड फाइव ईयर प्लान में इसको लिया गया। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, विच इज द बेस्ट मेजर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP होता है, जो आपको बेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ बताता है कंट्री का। देन जो इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, स्पेशल मेंबर्स को याद रखना, तो 12, ठीक है। विच पर्सनैलिटी हैड नेवर सर्व्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये ऑप्शन से उठाया था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में, तो ही इज अ फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होता है, प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है किसी भी हाउस के द्वारा, आइदर ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है जी। तो आपको याद रखना है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री के लिए किसके लिए बेस्ट मेजर हम कर सकते हैं, GNP, ठीक है। तो आपने याद रखना है GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, आपने याद रखना है, या फिर कहीं बार ना इसको GNP को ग्रॉस नेशनल इनकम भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब उसमें मतलब टेंशन मत लेना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते तो क्या डेफिनेशन आ गई, ग्रॉस नेशनल इनकम भी बोलते हैं, ठीक है जी। देन आप क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितने अपॉइंट कर सकते हैं मेंबर्स को, राज्यसभा में 12 मेंबर्स को, ठीक है, और मैं 63-64 को भी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑप्शन से उठाए गए हैं आंसर्स इसके। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीचमेंट में होता है महाभियोग, किस हाउस में इनिशिएट किया जाता है, किसी भी हाउस में हो सकता है, पार्लियामेंट की, या राज्यसभा चाहे लोकसभा, और उनको 14 दिन का पहला प्रायर नोटिस दिया जाएगा। देन विच डज नॉट फाइंड द मेंशन इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो जो हमारे जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें क्या चीज मेंशन नहीं है, ये भी ऑप्शन उठाया गया है शहीदों के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 370 हट चुका है और 35 ए भी हट चुका है, तो किससे डील करता था, स्पेशल स्टेटस ऑफ JNK, ठीक है। कौन सा संविधान द्वारा नए राज्य बनाने का अधिकार देता है, पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, कोई बिल पास कर सकते हैं अगर हमें कोई एक नई स्टेट बनानी है, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हम याद रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है आपके पास, वो कैसे रिमूव हो सकते हैं, ठीक है, तो वो अपने कैसे रिमूव हो सकते हैं, बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा हो सकते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, जब दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस के द्वारा कोई रेजोल्यूशन पास होगा, जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट के जजिस के द्वारा, तो तब वो प्रेजिडेंट क्या कर देगा, उनको हटा सकता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है, ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, तो ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर आफ्टर टू इयर्स, राज्यसभा के कितने जो मेंबर्स सदस्य हैं हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं, 1/3, ठीक है, 1/3 बाद रिटायर होते हैं, और इनका टेन्योर कितना रहता है, 6 साल का रहता है, और परमानेंट बॉडी होती है, इसको आप रिमूव नहीं कर सकते। देन राज्यसभा कैन हैव मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ, कितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है, 250 की स्ट्रेंथ हो सकती है राज्यसभा में मैक्सिमम, ठीक है। श्री सुभाष चंद्र बोस इज एसोसिएटेड विद, ठीक है, जो सुभाष चंद्र बोस है वो किससे एसोसिएटेड है, फॉरवर्ड ब्लॉक से एसोसिएटेड है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने बहुत बार सुना है, और इस चीज पे एक वेब सीरीज भी आ चुकी है, ठीक है। देन चुनाव याचिका पर निर्णय लेने की शक्ति किसकी होती है, हाईकोर्ट, ठीक है जी। लास्ट मंथ ऑफ INC कैलेंडर इज, इंडियन नेशनल कैलेंडर इज फागुन, फागुन का महीना, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो हम कौन इलेक्ट करते हैं, इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं,
वैसे का बता देता हूँ, सुभाष चंद्र बोस किसे रिलेटेड है? फॉरवर्ड ब्लॉक से, ठीक है। पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पटिशन, ठीक है। चुनाव याचिका पर निर्णय लेने की शक्ति निहित किस पे होती है? हाई कोर्ट पे, ठीक है। और इंडियन नेशनल कैलेंडर में लास्ट मंथ कौन सा होता है? फागुन का। वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया का है वो कौन इलेक्ट करता है? कोई भी पार्लियामेंट, ठीक है, इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। देन फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम मिस वर्ल्ड, कौन है? रीता फेरा। रीता फेरा है जो क्या बनी थी? पहली मिस वर्ल्ड बनी थी रीता फेरा। देन लेडी विद द लैंप किसको बोला जाता है? सरोजिनी नायडू को। द्रोणाचार्य अवार्ड हम किसके देते हैं? कोचिस के लिए। अर्जुन अवार्ड स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है। फर्स्ट एशियन गेम्स कब हुए थे? कहाँ पे हुए थे? सॉरी, दिल्ली में हुए थे, याद रखना है। कहाँ हुए थे? दिल्ली में हुए थे फर्स्ट एशियन गेम्स। ओलंपिक गेम्स 2016 के कहाँ हुए थे? ब्राज़ील में, ठीक है। अब देखो, हम कई बार सोचते हैं कि यार ये क्वेश्चन अब तो हमें आएगा नहीं क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं भी कभी भी आ सकते हैं, तो आपको याद रखने हैं, ठीक है जी। जो अभी 2023 में होंगे वो कहाँ होंगे? बर्लिन में, ये भी मैंने बता दिया आपको, बर्लिन में होंगे। पंकज अडवाणी किससे संबंधित हैं? वो बिलियर्ड्स, ठीक है, स्नूकर से, बिलियर्ड्स से संबंधित हैं। पहला पर्सन जिनको भारत रत्न मिला था 1954 में, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। भारत रत्न की शुरुआत में 1954 में हुई थी, ठीक है। भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, ठीक है, 1954 में शुरुआत हुई। देन द ड्रामेटिक डिकेड द इंदिरा, ठीक है, ये बुक किसने लिखी है? प्रणब मुखर्जी ने लिखी थी, ठीक है, द ड्रामेटिक डिकेड द इंदिरा। देन अगर आपको टेबल को तोड़ना है तो आप शॉर्टकट की क्या लगाओगे? आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर, सबको इकट्ठे जब आप लगाओगे तो आपके टेबल क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। देन एक निबल किसके इक्विवेलेंट होता है? 4 बिट्स के, ठीक है, 4 बिट्स के। नाथुला पास कहाँ पर है? सिक्किम में है नाथुला पास। देन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को, सॉरी ऊपर नीचे हो गया, 5 जून को मैं ऐसे कर देता हूँ, 5 जून को मनाया जाता है। और कौन सा लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का? जुपिटर, ठीक है जी, ये ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा ध्यान रख लेना। देन नेक्स्ट, मानसरोवर से, मानसरोवर जो लेक है वहां से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी, इंडस। देन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितना है? 10 ईयर में कितना है? 17.9% बढ़ता है, बढ़ रहा है। जनगण मनगण कब अडॉप्ट किया गया था? 24 जनवरी 1950। राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट, अभी मैं पीछे बता चुका हूँ आपको। देन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब लॉन्च हुई थी? 2007 में। BSNL, ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड कब बना था? 2000 में बना था। पोलियो किसके द्वारा कॉज किया जाता है? वायरस के द्वारा, ठीक है जी। बढ़ते अपने लास्ट 5 क्वेश्चन। गंगटोक की कैपिटल क्या है? सिक्किम, सॉरी, गंगटोक किसकी कैपिटल है? सिक्किम की। सोमनाथ टेम्पल कहाँ पर है आपके पास? शिवजी का टेम्पल है गुजरात में। पैरट ऑफ इंडिया, भारत का तोता किसको बोला जाता है? अमीर खुसरो। नवरत्न में आता है इनका नाम। फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म किसको बोला जाता है? जिसको जो वेस्टर्न एजुकेशन को भी लेके आए थे, राजा राम मोहन राय। देन गो बैक टू वेदास, इस स्लोगन किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो हम आपके लिए 100 क्वेश्चन का एक पैक लेके आए हैं, होप सो आपको ये पसंद आया होगा। और ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आपके आ रखे हैं। आपने अभी तक दो एग्जाम्स को जो हमने अभी 100 क्वेश्चन डाले हैं, आपने कुछ चीज़ नोटिस की हुआ होगा कि जो एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू है एग्जाम डालने का, वो किस तरीके का है। वो एक ही जगह से वो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन उठा रहा है। अगर उसने बिहार से क्वेश्चन उठाए तो 2-3 क्वेश्चन वहाँ से उठाए हैं। अगर उसने कोई वाइस प्रेजिडेंट का क्वेश्चन उठाया है तो उसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और उठाए, ठीक है। तो वही वो पैटर्न हमेशा फॉलो कर रहा है और उसी पैटर्न को हम आपको और एक्सप्लोर करेंगे और चीज़ें बताएंगे। बस आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।